हाय एवरीवन, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर में लिट्टी चोखा कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको गैस पर लिट्टी चोखा कैसे बनाना है, क्योंकि आजकल लोग है वो चूल्हे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं चूल्हे पे तो आपको लिट्टी चोखा बनाना नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको मैं गैस पर लिट्टी चोखा बनाना बताऊंगी। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे गैस पर आपको लिट्टी कैसे सेकना है। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको चोखा बनाना पहले बता रही हूँ। तो मैंने लिया है एक कढ़ाही और उसे गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाली हूँ। अब इसमें डालना है 1 कटी हुई हरी मिर्च। मैं यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली हूँ, आप चाहे तो अपने अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद आपको चॉप किया हुआ ऑनियन डालना है, यानी प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद आपको इसे मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर इसे पकाना है। मैं यहाँ पे 1/2 प्याज ली हूँ, आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको ऐसे मिक्स करना है, इसे थोड़ी देर पकने देना है। तो देखिए थोड़ी देर हो गई है, पक गई है। और उसके बाद इसमें ऐड करनी है 1/2 कटी हुई टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपको ऐसे मिक्स करना है और इसे सुनहरा होने तक पकाना है। आप यहाँ पे गैस की फ्लेम है वो मीडियम रख सकते हैं, मैं गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखी हूँ। मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू लिया है, उसे बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद मैंने इसे मैशर की हेल्प से मैश भी कर लिया है। तो चलिए आते हैं कढ़ाई की तरफ। हमारी प्याज है वो पक रही है, आप देख सकते हैं सुनहरा हो गई है। अब इसमें डालना है चॉप किया हुआ आलू, यानी कि मैश किया हुआ आलू। आलू डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो इस तरीके से आप इसे पका सकते हैं। अब इसमें आपको ऐड करने हैं सॉल्ट, यानी नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और नमक ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स कर ले और इसे थोड़ी देर तक पकाए। तो आप गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रख सकते हैं, मैं तो यहाँ पे मीडियम रखी हूँ। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, आपको देखना है कि सुनहरा होने तक इसे पकने देना है। तो आप देख सकते हैं लगभग हमारी आलू है वो सुनहरा हो गई है। इस तरीके से आपको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट हो चुकी है और हमारी जो आलू की चोखा है वो बन करके तैयार है। अब आपको गैस की फ्लेम है वो ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लिट्टी के लिए चोखा है वो बन करके तैयार है। तो अब आपको इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, दूसरी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट में इसे निकाल रही हूँ। उसके बाद आपको टमाटर की चटनी बनाने के लिए कढ़ाई रखनी है गैस पे और गैस की फ्लेम है वो ऑन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई वो गर्म हो रही है। और इसमें ऑयल डालना है, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। उसके बाद इसमें डालनी है आपको कटी हुई लहसुन, यानी कि गार्लिक। लहसुन डालने के बाद आपको डालना है इसमें जीरा, तो 1/2 चम्मच जीरा आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है प्याज, तो प्याज है वो आप 1 या 2 डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 प्याज डाल रही हूँ, इसे मैंने बारीक काट लिया था। तो आपको प्याज डाल करके इसे मिक्स करना है, इसे सुनहरा होने तक पकने देना है। तो हमारी प्याज है वो लगभग पक गई है और इसमें ऐड करनी है हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च ऐड करने के बाद आपको ऐड करनी है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद आपको ऐड करनी है मिक्स मसाला पाउडर। अगर आप मिक्स मसाला पाउडर ऐड नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करना है, उसके बाद थोड़ी सी इसमें पानी ऐड कर देनी है। पानी ऐड करने के बाद आपको इसे थोड़ी देर पकानी है। इस तरीके से आपको इसे मिक्स करते रहना है ताकि मसाला है वो जले नहीं। अब आपको लेना है 4 से 5 टमाटर। टमाटर को मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दिया है। तो मैं यहाँ पे 4 टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद आपको इसे मिक्स करना है। तो आप इसे पकने दें, गैस की फ्लेम आप यहाँ पे लो रख सकते हैं या मीडियम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम है वो लो रखी हूँ। उसके बाद इसमें ऐड करना है सॉल्ट। सॉल्ट है यानी नमक है वो आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आप इसे ऐसे मिक्स करते रहे। टमाटर है वो पक जाएगी थोड़ी देर में। टमाटर डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं टमाटर है वो पक रही है, यानी कि लगभग पक गई है। तो आपको क्या करना है, स्पून की हेल्प से ऐसे आपको मैश कर देना है। इस तरीके से आप टमाटर को मैश कर सकते हैं।
तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ी स्लिप हो रही है, तो कोई बात नहीं है, आपको सावधानी से करना है। आपको इस तरीके से कट कर देना है और ऐसे ही सभी टमाटर को आपको मिक्स करना है और थोड़ी देर इसे पकने देना है। आपको स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर है वो लगभग मैश हो गई है, तो आपको सभी टमाटर को ऐसे ही मैश कर लेना है और इस तरीके से इसे मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि ये अंदर भी अच्छे से पक जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ी देर इसे पका लेना है, थोड़ी देर यानी कि आपको एक मिनट तक इसे पका लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे मैश करते रहना है और इसे पकाते रहना है। आपको ये सब जो टुकड़ा दिख रही टमाटर को आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें पानी ऐड करनी है। तो पानी ऐड करनी है, आप पानी अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद आप गैस की फ्लेम है वो हाई भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे 2 मिनट तक के लिए पकने देना है, इसमें उबाल आने देना है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें उबाल आने देना है। तो यहाँ पे जो हमारी जो टमाटर की चटनी है उसमें उबाल आ गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 से 3 मिनट इसे पकने देना है और इसमें उबाल आने देना है। तो उबाल आने पे आपको क्या करना है, इसमें स्प्रिंकल करना है धनिया की पत्ता। तो अगर आपके पास धनिया की पत्ता है तो आप उसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसकी बैटर है वो आपको कितना रखना है तो आप उस अनुसार रख सकते हैं। तो आपको धनिया पत्ते डालने के बाद क्या करना है, आपको गैस की फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है। तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम है वो ऑफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो टमाटर की चटनी है वो बन करके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटी हुई प्याज, एक प्याज मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद 2 हरी मिर्च लिया है और आप देख सकते हैं मैंने 4-5 कली लहसुन का ली है और उसके बाद अदरक को भी बारीक काट लिया है। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे काट लिया है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी मंगरेला और अजवाइन। आप चाहे तो हींग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, हींग है वो ऑप्शनल है। उसके बाद मैं यहाँ पे ली हूँ चने की सत्तू, चने की सत्तू मैंने 1 कटोरी लिया है। उसके बाद हमें चने की सत्तू को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया है। उसके बाद नमक आपको इसमें स्वाद अनुसार डालना है। तो मैं यहाँ पे नमक है, सॉल्ट है वो 1/2 टेबल स्पून ली हूँ, इसमें स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करनी है टर्मरिक पाउडर। मैं यहाँ पे थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ली हूँ, लगभग 1/2 चम्मच से भी कम। उसके बाद आपको ऐड करनी है थोड़ी सी जीरा और काली मिर्च पाउडर टेस्ट के लिए। इस तरीके से आपको इसे डाल देनी है और स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, लगभग 1/2 कप। पानी ऐड करने के बाद आपको स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद देखिए कितनी अच्छे हो चुकी है, यानी कि इसे भुरभुरा रखना है, पूरा गीला नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको जो सत्तू है वो तैयार कर लेना है। तो आपको आटे की डफ तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है सूखी हुई थोड़ी सी आटे और उसके बाद आपको क्या करना है, डो लेना है। आपको डो ले लेना है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं इसकी साइजेस। उसके बाद आपको इस तरीके से डो को तैयार कर लेना है और सूखी हुई आटे में इसे मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसे डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपको इसमें सत्तू भर लेना है और आपको फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से फिल कर देना है और ऐसे करके आपको इसे मोड़ लेना है। इस तरीके से आपको इसे बंद कर देना है ताकि ये खुले नहीं और इसे राउंड कर ले। तो गैस आपको इस तरीके से सभी डो को तैयार कर लेना है। आपको आ जाना है गैस की तरफ और गैस की फ्लेम है ऑन कर लेनी है और आपको लेना है स्टैंड यानी लिट्टी सेकने वाली जाली और आपको सभी लिट्टी को इसमें डाल देनी है। इस तरीके से आप डाल दे और गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है, हाई नहीं करे, नहीं तो लिट्टी है वो जल जाएगी। जब तक हमारी लिट्टी है वो पक रही है तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको इसे थोड़ी देर सिकने देना है, उसके बाद दूसरी साइड पलट लेना है। तो आपको सभी लिट्टी को इसकी साइड में पलट लेनी है ताकि ये जले नहीं। तो इस तरीके से आपको पलट लेनी है और थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसे पलटते रहनी है। तो आप स्टैंड को इधर से उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं इसकी जो साइड है वो सिक रही है। तो आपको इस तरीके से आपको इसे पलटते रहना है ताकि लिट्टी है वो अच्छे से पक जाए।
आप आज की वीडियो में सीख रहे हैं गैस पे आपको लिट्टी कैसे बनाना है। तो थोड़ी टाइम लगेगी इसे पकने में, और आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि गैस की फ्लेम है वो हाई नहीं होनी चाहिए और लिट्टी को आपको पलटते रहनी है। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से लिट्टी को सभी साइड को पलट लेंगे और हमारी लिट्टी है वो लगभग पक गई है। तो आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम है वो ऑफ कर देती हूँ। अब आपको इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आप इसमें घी ऐड कर देंगे तो लिट्टी की टेस्ट है वो बहुत अच्छी आएगी, और लिट्टी में तो घी चाहिए ही चाहिए। तो आप इसे कम या ज़्यादा अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसे घी डाल करके इसे मिक्स कर देना है। आप इसे तोड़ करके खाएंगे तो ऐसे भी घी है वो मिक्स हो जाएगी। या आप चाहे तो इसे स्पून की हेल्प से सभी साइड में रब कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आपको ऐसे घी है और रब करना है सभी साइड्स में, और आप इसका स्वाद उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि घी को डाल देना है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।